फातिमा प्लान सक्सेसफुल रहा, मिली घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही, हम सबके साथ रहेगी। वेरी गुड, शाबाश। चाची माँ दूर हट। अब चाची माँ प्लीज आप अपने हाथों से मेरे लिए सब कुलचे बनाएंगी प्लीज? नहीं बनाऊंगी तेरे लिए। हरप्रीत ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? मैं सबके लिए बनाऊंगी। सबके लिए क्यों? तुझे क्या लगता है मैंने सिर्फ तेरे लिए कुलचे बनाए तो ये जो सारे लोग पोली सूरत लेके बैठे हैं और खासकर तेरा वो पति, ये सब मुझे बख्श देंगे? नहीं। अरे सुना नहीं तुम सब ने, इसे स्टफ्ड कुलचे चाहिए, अकेले के बस की बात नहीं है। चलो हेल्प करो मेरी। चलो। I'm wearing nail polish. ब्यूटी क्वीन तू अपना नेल पॉलिश लगा, मैं जाती हूँ मदद करने। थैंक यू। देखो जरा काम चोर, ब्यूटी क्वीन ही काम चोर। मैं वेट कर लूंगी कि कब आप अपना शक और मिली की तरफ अपने हेजिटेशन को खत्म करें। एंड आई एम श्योर आप बहुत जल्दी ऐसा करें। मैं इतनी श्योर नहीं हूं पुत्र। आज कितने दिनों बाद हमारे घर का माहौल सही हो गया, सब नॉर्मल हो गया है ना? यस दादी माँ। एंड आई जस्ट होप कि सब ऐसे ही हैप्पी रहे। मैं एक काम करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, भगवान जी से थैंक यू कह। हाउ स्वीट। जा बे। कब तक आएगा? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, नैन मटक्का हो गया, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। हमने कुछ नहीं देखा, ना आंखों का इशारा ना नैन मटक्का। ओ माँ, यू मीन आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दादी मैं मंदिर जाती हूँ। तू जा। फोन आ रहा है। आ जाओ मेरे। आप भी तो खाएंगे ना दीदी? हम तो जरूर खाएंगे। ये लिखा ले, खा ले, तू भी खा ले। बहुत अच्छे लड्डू थे। जी एक बात तो बताओ, वो मोहल्ले वालों से मैं क्या सुन रही हूँ कि जब से हम यहाँ नहीं थे तो आपके घर में कुछ ठीक नहीं था? अब ठीक तो है, यहाँ ठीक है ना? मैं आप दोनों को चाय पिला? हाँ चाय तो पीएंगे। नर्मदा बेटा चाय भिजवा दोगी? हाँ हाँ माँ। थोड़ी अदरक। हाँ बना रही हूँ। हेलो जी। अरे रिहान जी, आप लड्डू खाइए ना। वाह क्या बात है। ओ, इसको खाने की क्या जरूरत है, इस केसे का भी मैं ही खा लेती हूँ। वैसे भी सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। हाँ। मिली कहाँ चली गई थी तुम? वो दूध खत्म हो गया था घर में तो वो लेने गई थी। दादी जी ये वही मिली है ना जिसके लिए मोहल्ले में इतनी बातें हो रही हैं? ओ
नहीं 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 मैं इसके हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भूतनी के हाथ की। हाँ। अरे मम्मी मैं इसके हाथ की चाय तो क्या, मैं दूध भी ना पीऊं इसके हाथ का। लो जी हालात ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हरप्रीत मिली मुझे तुमसे कुछ काम है, ये रखकर तुम बाहर आ जाओगे। ये विहान उस चुड़ैल को बाहर क्यों ले गया, सब ठीक तो है? होगा कोई काम। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, आखिर विहान को मिली से क्या काम हो सकता है, ये क्या माजरा है? डॉली की बातों को इग्नोर करना, उन्हें दूसरों के बारे में ऐसी बात करने की आदत है। जितना हो सके तुम कोशिश करो ये सारी बातों को इग्नोर कर सको। हाँ लेकिन अपने बारे में इस तरह की बातें सुनना, लेकिन सही जब मैंने ऐसा काम किया है तो सुनना तो पड़ेगा। गलतियां इंसान से ही होती है मिली, लेकिन हमारे कर्मों को बदलने की शक्ति हम में है। तुम्हें सिर्फ एक कदम उठाना है और कुछ नहीं। मतलब तुम्हारे सारे सवालों के I'm sorry, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, ये सब क्या है? आओ बेटा चलो, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है, ये इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे होगा, इसलिए घबराना मत, भगवान हमारे साथ है। तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो और मेरी बातों पर कॉन्सेंट्रेट करो। दितं चैव रज्जु भी परिवेष्टि। इस क्रिस्टल बॉल पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर। तुम्हारी आंखें भारी हो रही, पंडित जी। ओ यारे सर्वभूतेषु इति रूपाणि शक्ति इति रूपाणि संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बताओ मिली तुम्हें क्या दिख रहा है? धुंधला सा दिखाई दे रहा, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला है। आग जल रही है, वहां आग जल रही है। कौन है वो देखने की कोशिश करो। नजर नहीं आ रहा,
कोई है? एक औरत है। Come on, मिली, कोशिश करो मिली। कौन औरत? औरत बैठ। निष्ठा यकीनन तेरा नाश विनाश दम दिया। उसका जाप कुछ अजीब सा है। येलो। थैंक यू। स्वास्थ्य की कल्याण। माया से उसका नाता है। माया ही उसका अस्तित्व है। वेरी गुड मिली, ध्यान से देखो कौन है ये औरत। उसका चेहरा देखने की कोशिश करो। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। मिली, तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो। जो कुछ भी तुम देख पा रहे हो, उसने क्या पहना है, उसकी आवाज कैसी, जो कुछ भी तुम सुन पा रही हो, देख पा रही हो, हमें बताओ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ इतना धुंधला है, मैं नहीं देख पा रही हूँ। दोनों भावों के बीच थर्ड आई पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। वो जगह कैसी है मिली? कमान मिली, कोशिश करो मिली, वहां कैसी चीजें हैं, क्या है वहां? ये सब जरूरी है मिली, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है मिली। हम बहुत नजदीक हैं मिली। जय माता दी। जय माता दी। अचानक चक्कर जैसा क्यों लग रहा है? मेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या किया आपने? पूजा की थाली नीचे गिरा दी, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। मैंने कुछ नहीं किया, अचानक से चक्कर आ गया और समझ नहीं आया। इस लड़की को अपनी पूजा की थाली संभाल कर पकड़नी चाहिए थी। देखो, खुद तो बच गई, पूजा की थाली गिरा दी। एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई इंसान जानबूझ के अपने साथ अपशगुन करता है क्या? और पंडित जी, आप ये बातें कर रहे हैं? आप यहाँ के पुजारी हैं ना? मतलब आपको भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने एक बार भी इस बच्ची से नहीं पूछा पंडित जी कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, आप ठीक हैं कि नहीं? और जहां तक पूजा की थाली गिरने का अपशगुन से कुछ लेना देना है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक संकेत था भगवान, समझे आप? अगर पूजा की थाली ना गिरी होती और आवाज नहीं आई होती, तो ना ये लोग सतर्क होते और ना मैं सतर्क होती, और शायद इस आवाज की वजह से ही मैं इस बच्ची को बचा पाई। तो इसमें अपशगुन कैसे हो गया? ये सिर्फ ऊपर वाले का संकेत था कि इस बच्ची को बचा लिया जाए। तो पंडित जी, एक बात बताइए, किसी की जान बचाना अपशगुन कैसे हो जाता है? हाँ, ऊपर वाला जब अपने भक्तों की रक्षा करता है तो वह ऐसे ही करता है। और पंडित जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप भगवान की सेवा में रहते हुए इस तरह की नेगेटिव बातें सोचते हैं। देखिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट अच्छा बोल लीजिए, और ये अपशगुन शगुन के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान के घर में खड़े हैं, और भगवान के घर में
कोई अपशगुन हो ही नहीं सकता। आप सही कह रही हैं। मेरा पूजा का समय हो गया है, आरती का समय हो गया, मैं चलता हूँ, आप बच्ची को संभालिए। अरे आप रहने दीजिए ना, आप ये प्लीज, आप थैंक यू सो मच। सिर्फ मुझे बचाने के लिए मैं थैंक यू नहीं कह रही हूँ, बल्कि आपने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट हमारे आसपास जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। पता नहीं क्यों हम लोग हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने नाम नहीं पूछा तुम्हारा। कायरा, कायरा वत्स, वसुंधरा। अब ठीक हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घूमना चाहिए। नहीं मैं मतलब तुम्हें वीकनेस हो रही होगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं, आप अभी मंदिर में आई है ना, आप पूजा कीजिए, आपको टाइम लगेगा, मैं चली जाऊँगी। तेरी पूजा हो गई, चले या मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं नजर आ रहा है। हिम्मत मत हारो मिली, ध्यान लगाओ। कमान मिली, कोशिश करो। नहीं मैं बहुत नहीं देख सकती। अरे तुमने छोड़ क्यों दिया? नहीं, इतने नजदीक आकर तुमने छोड़ दिया? मिली मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हर चीज में कोशिश करनी पड़ती है। एक मिनट जुम लीजिए। क्या अभी तुम हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रही हो? विहान, मिली झूठ नहीं बोल रही है। जो कुछ वो देखने की कोशिश कर रही थी वो मैं भी देख रही थी साथ साथ। सब कुछ धुंधला धुंधला था। I'm sorry, मिली, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं नहीं, आप प्लीज सॉरी मत कहिए। चुमरी जी आप ठीक कह रहे थे, हमें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम फिर से कोशिश करते हैं। हमें काम करते चुमरी जी, जिस तरह आप मिली को जरिया बनाकर सबको देखने की कोशिश कर रही थी, आप मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। हो सकता है हम दोनों मिलकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, ओके। हम लोग जिसे देखने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत चालाक है। अपने बारे में कोई भी जानकारी वो हमें नहीं दे रहा है। हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो किस वेश में है इस वक्त, और हमें ये भी नहीं पता है कि इस वक्त उसने कौन सा वेश धरा है। हम कोशिश तो कर सकते हैं। इस क्रिस्टल बॉल को ध्यान से देखो। विहान, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? Wow, that's a huge family. तुम्हारा फैमिली के बारे में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में किसी भी इंसान के लिए फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। फैमिली से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता मेरे लिए। That's very nice. आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती है? काफी दिनों से आउट ऑफ टच हूँ उन लोगों से, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी। मुझे उनकी जरूरत है। आप लेफ्ट ही रखिएगा, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, कायरा को घर छोड़ते हुए जाएंगे।
आप जानती है मेरा घर कहाँ है? अरे गाड़ी में बैठते वक्त तुमने अपना एड्रेस बताया था ना, मैं इस एरिया से काफी वाकिफ हूँ, मेरा इस तरफ बहुत सारा सोशल वर्क चलता है। या अब बस बस यही रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। थैंक यू सो मच। आप भी चलिए ना मेरे घर पे। नहीं अगली बार, इस वक्त मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं, अनदर टाइम। और तुम चाय अच्छी बनाती हो तो इसी बहाने तुमसे फिर मुलाकात करने आऊंगी। आपको कैसे पता मैं चाय अच्छी बनाती हूँ? अरे कुछ लोगों को देखकर पता लग जाता है कि वो कमाल की चाय बनाते होंगे। या ओके, थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय बाय। परिवार के बारे में तुम्हारे नजरिए से सहमत हूं मैं कायरा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अपनों के करीब वापस जाने के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आई एम सॉरी लेकिन मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए मुझे तुमसे बार बार मिलने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। मुझे अपनों के करीब वापस जाना है, बस उम्मीद है कि सब अच्छे से हो जाए।